बनर्जी इलेक्शन मोमेंट में उन्होंने कहा था कि बंगाल को हम लंदन बनाएंगे, कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। तो लंदन तो दूर की बात है, आप देख सक रहे स्लम एरिया में हम लोग आए हैं, झोपड़े बचाना मुश्किल है लोगों के लिए। यहाँ के एमपी है उनको भी कहना चाहते हैं और एमएलए काउंसिलर जो भी यहाँ पे है कि आप तो इनको घर देते नहीं, ना उनका एजुकेशन का ख्याल रखते हैं, ना उसका कोई बिजनेस का पॉलिसी है, ना चाकरी आपके पास है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना है। 2011 के बाद तो यही तो हुआ है पूरे बंगाल में मुसलमानों के साथ। नेता दलाली जो कर रहे हैं उनको सिर्फ फायदा होता है, वो अपना बंगला गाड़ी मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर आम मुसलमान जनता हमारी माँ बहनों का ख्याल किसी ने किया नहीं किया। समाज में कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग समाज में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की चेहरों में मुस्कान देने के लिए सामाजिक खिदमात को अंजाम देते हैं, जिसमें से एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता आवाज फाउंडेशन के बानी फैसल खान का है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले फैसल खान सिर्फ सामाजिक खिदमात ही नहीं अंजाम देते हैं, बल्कि न्याय और अन्याय की आवाज उठाने में आवाम के साथ कदम पर कदम मिलाकर आगे चलते हैं। इसी कड़ी में फैसल खान ने इंसानियत की मिसाल देते हुए संतोषपुर 16 बीघा बस्ती में जरूरतमंदों बच्चों के बीच स्टेशनरी का सामान, किताब, कॉपी, पेंसिल, स्कूल बैग तकसीम किया और उम्मीद जताई कि बच्चे देश के आने वाले भविष्य हैं और इनकी तालीम इन अंधेरों में कहीं खो ना जाए। फैसल खान ने अपने लफ्ज़ों में ये भी कहा कि कमज़ोर ज़रूरतमंद लोगों के साथ फैसल खान कल भी साथ था और आने वाले दिनों में भी फैसल खान इन ज़रूरतमंदों के साथ रहेगा। आइए देखते हैं फैसल खान ने और क्या कुछ कहा। भूल गए, ममता बनर्जी इलेक्शन मोमेंट में उन्होंने कहा था कि बंगाल को हम लंदन बनाएंगे, कलकत्ता को लंदन बनाएंगे। तो लंदन तो दूर की बात है, आप देख सक रहे स्लम एरिया में हम लोग आए हैं, झोपड़े बचाना मुश्किल है लोगों के लिए। तो आज जो हालात है जी कि लंदन में बना करके झोपड़े में नशा का कारोबार चल रहा है और यहाँ पे जो यहाँ के एमपी है उनको भी कहना चाहते हैं और एमएलए काउंसिलर जो भी यहाँ पे हैं कि आप तो इनको घर देते नहीं, ना उनका एजुकेशन का ख्याल रखते, ना उसका कोई बिजनेस का पॉलिसी है, ना चाकरी आपके पास है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना है। 2011 के बाद तो यही तो हुआ है पूरे बंगाल में मुसलमानों के साथ कि सिर्फ वोट लो और उनको वोट लेके 5 साल भीख मांगने को 500 रुपया दे दो। अब यहाँ तो देख रहे हैं कि भीख भी नहीं मिल रहा, 500 भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो दलाल लोग हैं, जो नेता दलाली जो कर रहे हैं उनको सिर्फ फायदा होता है, वो अपना बंगला गाड़ी मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर आम मुसलमान जनता हमारी माँ बहनों का ख्याल किसी ने किया नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे हुसैन गाजी के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं, देश बचाओ कमेटी एक समाज सेवी है, उसको लेकर के हम लोग हमेशा काम करते हैं। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काम किया है और आने वाले वक्त में भी काम करने का ये बात की जा रही है। तो मैं खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूँ कि आप 2011 के बाद आज 2023 हो गया, अभी तक इनको कुछ घर नहीं मिल पाया, इनका ना एजुकेशन का ख्याल हुआ, ना इनका कोई इंतजाम हो पाया, तो क्या ऐसे लंदन बनेगा? तो ऐसा लंदन मुसलमान को नहीं चाहिए। मुसलमानों को ऐसा लीडर चाहिए जो मुसलमानों की हक की बात करता हो, वक्फ संपत्ति का बात करता हो, एजुकेशन की बात करता हो और पर्सनल राइट के लिए बात करता हो। ये राइट कोई मुख्यमंत्री नहीं देती, ये राइट हमारा खुद संविधान देता है। उस संविधान को दरकिनार करके ये नेता लोग आने वाले वक्त में आपको बताया जाए कि वोट के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने वोट लेके बेवकूफ बनाया, आने वाले वक्त में ये स्लम के मुसलमान या हम लोग सब मुसलमान मिलकर उनको वोट के माध्यम से जवाब देंगे।